हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है यहां पे। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्मिनोलॉजीज को लेकर के, यानी कि जो हम लोग जब IR पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज का, कुछ शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो आज हम उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजकुमारी जी हेलो, हेलो हाय, एंड बबीता प्रकाश जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चौधरी गोली जी, और सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। तो देखिए क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है, तो आप लोग प्लीज। अर्शिया तलत वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप सभी लोग? चलें छवि डागर जी सलाम वालेकुम, अच्छा ठीक है छवि जी, वालेकुम अस्सलाम। और कुछ जल्दी से गाइस आप लोग आ जाइए और हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इस क्लास की। आज हमने कहा था कि कुछ स्पेशल देने वाला हूं मैं आज आपके लिए, इसीलिए देखिएगा आज आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर के आया हूं। गुड मॉर्निंग प्रतीक्षा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। चलें तो आपको मालूम होगा, देखिए आप मेरा यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर की फैकल्टी, और मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है। इस समय मैं LLB कर रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और आज मेरा पेपर भी था फिलहाल। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के इस टॉपिक की। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है गाइस, तो आप फौरन गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप वहां पे देखेंगे अपना गोल सिलेक्ट करिएगा। NTA UGC NET आपका गोल है। आप अपने गोल को सिलेक्ट करने के बाद अनअकैडमी आपको वहां पे 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराता है। और मैं हमेशा की तरह आपसे यही कहूंगा कि मिनिमम आप 12th मंथ या 24 मंथ का प्लान लीजिएगा, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही फायदा मिले आपको। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपके मार्च अप्रैल में भी एग्जाम होंगे, और फिर साथ ही साथ क्या होगा कि फिर जून वाले भी एग्जाम होंगे या और दिसंबर वाले होंगे। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस, मौका बहुत अच्छा है। ये 2021 है ना, तो बस इसको इसको टारगेट कर लीजिए इस बार। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए 12th मंथ का पैकेज ले लेंगे, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, और आप मेरा अगर रेफरल कोड यूज कर लेंगे SAF10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल बता रहा हूं कि मेरा पेपर कैसा गया, थोड़ा सा वेट करिए, बताता हूँ छवि जी और प्रतीक्षा जी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, आइकॉनिक और प्लस के लिए मैं आपको हमेशा डिफरेंस बताता रहता हूँ, और मैं हमेशा आपसे यही कहूंगा कि आप आइकॉनिक को पहले प्रेफर करिएगा। देखिए एक तो फीस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आप अगर एक साथ फीस नहीं पे कर सकते हो तो आप मंथली पे कर सकते हो EMI सिस्टम से, ठीक है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों पे पढ़ने का मौका मिलेगा। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज PDF एंड लाइव टेस्ट क्यूजेस आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। लेकिन फायदा क्या है आइकॉनिक का, मैं क्यों आप लोगों को हमेशा आइकॉनिक के लिए बताता हूँ गाइस, आपको एक पर्सनल कोच, एक पर्सनल मेंटर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी प्लानर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और जब भी आपको, जब एक स्टडी प्लानर होगा आपके पास, एक मेंटर होगा, तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हो, उनसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। स्टडी बूस्टर सेशन होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, प्रिपेटरी स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिसेज होंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, और आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अपकमिंग बैचेस की शुरुआत हो चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज शुरुआत है Paper 1 की एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंसेज की, अश्वनी सर और आशिमा मैम लेकर के आ रही हैं। इधर बुशरा मैम, आशिमा मैम और अदिति मैम आपके लिए Paper 1 और कॉमर्स की कंप्लीट बैचेस लेकर के आ रही हैं। और अगर आपको जल्द से जल्द, मैं कहता हूँ Paper 1 के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो फौरन आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। गाइस आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में गए होंगे और आपको वहां पे आज एक चीज मिली होगी, आप देख के चल रहे होंगे, वहां पे कॉम्बैट का होगा, अगर इसमें नहीं होगा तो कॉम्बैट का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। और मैं हमेशा की तरह ये कहूंगा कि आपका कल 31st है ना, हाँ, तो कल 11 बजे आपका टेस्ट होना है, अभी भी मौका है आपके पास, फौरन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इसमें। और देखिएगा आपके लिए, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के 50 तक आती है तो आपको 10,000 रुपीज लेकर के 1,000 रुपीज तक का आपको Amazon का गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मौका अच्छा है, Paper 1 की यहाँ पे है,
तो आगे हम बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कि आज के अपने इस टॉपिक की, एंड यूज माई रेफरल कोड सेफ्ट एंड देन गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ओके छवि जी, पेपर के बारे में पूछ रहे थे आप लोग। प्रतीक्षा जी देखो, मेरा पेपर तो बढ़िया गया है, इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे था क्योंकि कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं चली थी, तो इस बार सब्जेक्टिव ना होकर के ऑब्जेक्टिव पेपर था, तो बढ़िया गया है। अभी जस्ट पेपर दे करके ही आ रहा हूँ। और चले, और कुछ मजा आई, अभी बताता हूँ कुछ चीजें। काफी समय बाद यूनिवर्सिटी गया था। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निशा पांडे जी, सीमा जी, रवि रॉक। रवि जी कह रहे हैं कि सर यू आर स्टूडेंट फ्रॉम लखनऊ। जी हाँ, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का हूँ फिलहाल। तो आइए अब हम पढ़ते हैं और बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन आज आपके लिए देखिए मैंने काफी मेहनत करके कंटेंट इकट्ठा किया था आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने सोचा आप लोग बहुत पूछते रहते हैं ना, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे बात हो जाए, तो आज हम टॉपिक पे, तो देखिए टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं, टॉपिक भी नहीं पढ़ा रहे, ये समझ लीजिए कि आज मैं पूरे इंडियन रिलेशंस का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, गाइस इंटरनेशनल लिखा है, नेशनल होगा इंटरनेशनल, स्पेलिंग रॉन्ग है, सही कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलें, गुड मॉर्निंग पूजा जी, गुड मॉर्निंग। ओके गाइस, सबसे पहला वर्ड हमारे सामने है इंटरनेशनल रिलेशन, किसे बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच का संबंध IR कहलाता है, इंटरनेशनल रिलेशन। अंतरराष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है जब टू और मोर देन टू नेशन, ठीक है, दो नेशन या दो से ज्यादा नेशन के बीच में जो रिलेशन होता है उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, ये हो गया हमारी पहली टर्मिनोलॉजी। आज कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें लाए होंगे, आप अक्सर सुनते होंगे गाइस, एक सेकंड, आप सुनते अक्सर होंगे, लेकिन क्या है कि आप क्या करते होंगे ना, चीजों को सही से एक जहां अगर आपको मैं आज दे दूंगा तो बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, लिखते रहिएगा। ओके, मिनिमम 30 किल, ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है मेरा, लेकिन आज कुछ इंफॉर्मेटिव क्लासेस है आपके लिए। थैंक यू प्रतीक्षा। फिर क्या हो रहा है कि मॉब, देखो अब भीड़ आप सुनते होंगे ना, भीड़ क्या होता है, मॉब क्या होता है ना, जिसको एक स्थान पे एकत्रित लोगों को हम भीड़ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे ग्रुप और मॉब, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आप आमतौर पे लोग क्या समझते हैं भीड़ और ग्रुप में, समूह और भीड़ क्या डिफरेंस होता है ये जानिएगा। जब ग्रुप की पहले मैं बात कर लेता हूं, जब एक प्लेस पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, लेकिन उस ग्रुप के पीछे, वहां पे इकट्ठा होने के लिए उनके पीछे क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, किसी खास मकसद से वहां पे इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम ग्रुप बोलते हैं। लेकिन भीड़ क्या होती है, मॉब क्या होता है, ये भी ठीक एक जगह पर, पर्टिकुलर एक प्लेस पर कलेक्ट होते हैं, वहां इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन इनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, तो मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, अचानक से रास्ते में कुछ हुआ या कहीं पे, तो आप, एक ह्यूमन नेचर है, देखो इसके लिए एक रिसर्च भी की गई थी, अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है उसका भी, हाँ अभी सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। कहीं आप रास्ते से जा रहे हो, कुछ लोग ऐसे ही फालतू का, मतलब बिना कोई काम धाम के आराम से कहीं खड़े हो गए, एक दूसरे को देखने लगे, तो कुछ लोग और आके वहां भी देखने लगे, तो इस तरीके से जो होता है ना, तो भीड़ का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, तो वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई मकसद नहीं होता, एकदम फालतू के इकट्ठा। लेकिन जब ग्रुप होता है, अगर आप कहते हैं ये ग्रुप है, है? तो ग्रुप का मतलब होता है कि उस स्थान पर जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उसके पीछे उनका कुछ ऑब्जेक्टिव है, किसी उद्देश्य के लिए वहां पे वो एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसको हम ग्रुप बोलेंगे। ओके गाइस, आइए देखते हैं अगली टर्मिनोलॉजी, जिसको हम समुदाय बोलते हैं, कम्युनिटी जानते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे ना कि कम्युनिटी, समुदाय क्या होता है, ये समुदाय, वो समुदाय, ऐसा ए बी, मतलब जो भी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कम्युनिटी का नाम आप सुनते होंगे। तो व्हाट इज कम्युनिटी, आज हम देखो सारे उन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं जो वर्ड्स हमारे इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में यूज किए जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आज मैक्सिमम दे दूंगा, तो फिर किसी दिन ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आज हम बात करते हैं कम्युनिटी की। गाइस, समुदाय क्या होता है, समुदाय का मतलब है जब एक ग्रुप, एक समूह कॉमन आइडेंटिटी यानी कि उसकी साझा पहचान से जुड़ जाए तो उसको हम समुदाय कहते हैं, ठीक है। कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसकी साझी पहचान होनी चाहिए, अगर कोई ग्रुप उस साझी पहचान से जुड़ जाए, कॉमन आइडेंटिटी से जुड़ जाए, तो उसे हम समुदाय कहते हैं।
अब साझी पहचान कैसी होगी, ये धर्म के आधार पे भी हो सकती है या और किसी बेसिस पे भी हो सकती है। लोग कहते ना ये हिंदू समुदाय, ये मुस्लिम समुदाय, तो क्या है, या ये सिख समुदाय है, या जो भी कह लीजिए किसी भी धर्म को लेकर के, यहाँ पे जो समुदाय का मकसद है गाइस, तो उनके बीच में जो ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब क्या होता है कि कुछ उनका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ जब एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, उनके बीच में एक साझी पहचान से जुड़ जाते हैं, तब उसे कहते हैं कि समुदाय, ये कम्युनिटी है। हालांकि सिर्फ इसका रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कम्युनिटी देखते, हम कई और रेफरेंस में भी कम्युनिटी का यूज करते हैं, समुदाय। तो ये था कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है, मॉब किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, कम्युनिटी किसे कहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा है। चले गाइस आगे बढ़ते हैं और फिर देख के चलते हैं, स्टेट किसे बोलते हैं, राज्य किसे बोलते हैं। यहाँ पे स्टेट का मकसद आप अक्सर सुनते होंगे ना, स्टेट स्टेट, ठीक है, तो क्या है एक्चुअली, किस स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। चले जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो गाइस आप मुझे जल्दी से समझ कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, क्या जो अभी मैंने आपको फर्स्ट वाली स्लाइड पे समझाया है बेसिक टर्मिनोलॉजी, वो सारी चीजें समझ में आ रही ना, ठीक है। स्पेलिंग देखिएगा हर स्लाइड्स में, नेशनल कर लीजिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन। अब स्टेट के बारे में समझते हैं, या एक कानूनी अवधारणा है, एक लीगल कॉन्सेप्ट है। पहली चीज तो हम समझेंगे स्टेट क्या है, एक बच्चों लीगल कॉन्सेप्ट है सबसे पहली चीज। राजनीतिक अवधारणा है, यानी कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ओके थैंक यू। और एक डिफाइंड ज्योग्राफी है, उसकी परिभाषित भूगोल है, और वहां पे जो निवासी है, जनसंख्या होती है, सरकार होती है, तो इस हिसाब से हम कहते हैं ये स्टेट है, कि एक उसका पर्टिकुलरली परिभाषित भूगोल हो, मतलब कि ज्योग्राफिकल हो, लैंड वगैरह हो, आप यहाँ पे लैंड कह सकते हो, ठीक है। निवासी होने चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे पॉपुलेशन हो गए, लोग होने चाहिए, और वहां पे एक सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ऐसी जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम स्टेट बोलते हैं, ऐसी जहां पे एक उसका पर्टिकुलरली वहां पे गवर्नमेंट हो, वहां पे निवास करने वाले लोग हो, पॉपुलेशन हो, जनसंख्या हो, और साथ ही साथ एक निश्चित परिभाषित उनका भूगोल होना चाहिए, ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, ऐसी। और ये हमारा लीगल कॉन्सेप्ट है और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ऐसी जगह, ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेट है, ये एक राज्य है, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, सरकार के बारे में समझते हैं, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। समझते हैं गवर्नमेंट किसे कहते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे ना, ये गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट है, तो एक्चुअली है होता क्या है ये गवर्नमेंट, उसको हम समझेंगे। संस्थाओं का एक ऐसा समूह जो किसी परिभाषित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के, जनता के लिए नीति निर्माण से लेकर नीति क्रियान्वयन तक सभी कार्यों को संपन्न करता है, ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ, इसकी इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ, बेफिक्र रहिएगा। और रुबीना जी, अनअकैडमी का आपका लिंक नहीं मिल रहा है, जी हाँ मैंने कल मेंशन करा, बोला था टीम से, टीम आज शायद अपडेट नहीं कर पाई है, लेकिन आप उस चैनल पे चले जाइए मेरे, अनअकैडमी यूजीसी नेट पे, जहाँ पे मैं मॉर्निंग इवनिंग में 4 PM जाता हूँ, या लेट्स क्रैक के चैनल पे चले जाइए, जहाँ पे मैं मॉर्निंग में 10 AM जाता हूँ, उन दोनों चैनल पे जब मेरा वीडियो खोलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा रुबीना, वहां पे फॉलो मी ऑन अनअकैडमी करके मेरा लिंक है, तो आप डायरेक्ट हमसे वहां पे आप फ्री लाइव स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने कल बोला था कि मेंशन होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कुछ चीजें मिस्टेक, ठीक है रुबीना। तो आप मुझे प्लीज, मैंने चैनल का नाम बता दिया है, यूडीसी नेट, अनअकैडमी यूडीसी नेट वाले चैनल पर मेरा कोई भी वीडियो खोलिएगा, मतलब इधर बीच के वहां पे लिंक देख लीजिएगा, कल के वीडियो देखिएगा मेरे, उससे पहले के वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा, तो आप मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख के चलते हैं, सरकार का यहाँ पे मकसद बता रहा था कि यानी कि जो भी सरकार उसे कहते हैं, यानी कि जो जनता है, जो पब्लिक है, उस पब्लिक के लिए क्या करे, नीति निर्माण से लेकर नीति क्रियान्वयन तक, यानी पॉलिसी मेकिंग से लेकर, ठीक है, और उसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आया कि सरकार क्या बोलेंगे, जनता के लिए, उस पार्टिकुलरी एरिया में रहने वाले लोगों के लिए क्या करना है सर, ऐसे उसके लिए पॉलिसी मेकिंग करनी है, और उन्हीं नीति क्रियान्वयन तक सभी कार्यों को संपन्न करना है, और उसका पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो ऐसी संस्था को हम सरकार बोलेंगे, ठीक है।
ठीक है, चलो आगे देख के चलते हैं। शासक किसे कहते हैं? शासक आप सुनते हो ना, रूलर किसे बोलते हैं? यहाँ पे जो रूल करते हैं रूलर, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे शासक किसे बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां निर्णय लिए जाते हैं, यहां पे डिसीजन, गाइस यहां पे क्या हो रहा है, डिसीजन लिए जा रहे हैं, और जो डिसीजन लिए जाता है उसी डिसीजन का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, ठीक है। यानी कि उस निर्णय जो लिया गया है, ऐसी प्रक्रिया जहां निर्णय लिए जाते हैं और उन्हीं निर्णयों का क्रियान्वयन किया जाता है, उसी डिसीजन का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, उसको हम शासक बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और देख के चलते हैं। देखिए आप सुनते होंगे गाइस अक्सर मोस्ट फेवरेट नेशन MFN, ठीक है। मोस्ट फेवरेट नेशन क्या होता है, ये आपने अगर इंटरनेशनल आपने कभी भी कोई न्यूज देखा होगा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहाँ पे ये वर्ड को जरूर सुनते होंगे कि मोस्ट फेवरेट नेशन क्या होता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है फेवरेट नेशन होगा, उसको हम दर्जा देते हैं। और एक हैरत की बात बताऊं, इंडिया ने अभी कुछ साल पहले तक पाकिस्तान को ये स्टेटस दिया था। अब आप सोच सकते हैं क्या पाकिस्तान भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन है? देखो तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझिएगा इस चीज को। अभी शायद आई थिंक उरी अटैक के बाद या उससे पहले किसी कोई अटैक हुआ था, उसके बाद हमने उनसे ये दर्जा वापस ले लिया था पाकिस्तान से। उससे पहले तक आप यूं कह सकते हैं 2016 से पहले तक का, अभी तक भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे रखा था। तो क्यों दे रखा था, उसके पीछे भी वजह हम जानेंगे, और वो भी पहले मैं आपसे पूछूंगा और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली पहले जान तो लीजिए कि मोस्ट फेवरेट नेशन होता क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे। जब या एक देश द्वारा, एक कंट्री द्वारा दूसरे देश को दिया गया एक आर्थिक, क्या है ये, दर्जा, एक इकोनॉमिकल आर्थिक दर्जा है, ठीक है, एक इकोनॉमिकल स्टेटस है। पहली चीज तो हमें ये जानना होगा। हाँ अभी बता रहा हूं क्यों दिया था, सब कुछ बता रहा हूं, तो आप ही आंसर खुद दोगे, मैं पहले आपको समझा दूं यहां पे। तो यह एक देश द्वारा दूसरे देश को दिया गया एक आर्थिक दर्जा है। जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को इकोनॉमिकल स्टेटस प्रोवाइड कराती है तो ये मोस्ट फेवरेट नेशन है। आगे देखते हैं, ठीक है, जिसपे वह राष्ट्र यह वादा करता है जो आर्थिक व्यवहार वो अपने प्रिय राष्ट्र से करेगा वही आर्थिक व्यवहार दूसरे प्रिय राष्ट्र से करेगा। देखो इसका मतलब हुआ, मान लीजिए इंडिया है, अब इंडिया, मैंने आपको इतने दिन से इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैंने कई पॉलिसीज के बारे में आपको बताया है कि हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या थी, लुक वेस्ट पॉलिसी क्या थी, या और भी गुजरात डॉक्ट्रिन क्या थे। तो हमने सारे इंडिया के पॉलिसीज को देख रहे हैं, आगे अभी और देखेंगे, नैम को देखेंगे, इसी तरीके से। तो इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर मैं इंडिया के रेफरेंस में ही बात करूंगा ना, ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है, अगर किसी को वो मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा स्टेटस प्रोवाइड कराता है, उसके पीछे उसका एक डिप्लोमेटिक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। कैसे, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा मोस्ट फेवरेट नेशन एक इकोनॉमिकल स्टेटस है। एक कंट्री दूसरे कंट्री को ये प्रोवाइड करती है और इस प्रोवाइड करने में ये वादा किया जाता है, उनसे बोला जाता है कि जिस तरीके से इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम, अगर मान लीजिए एग्जांपल समझिए, यानी कि इंडिया है ये हमारा प्यारा भारत, ए और बी, अगर इसने ए को स्टेटस दिया है एमएफएन का और इसको भी दिया है, तो ये इन दोनों से वादा करेगा कि जो हमारे लिए, हम जिस तरीके से इनके साथ रिलेशन करेंगे इकोनॉमी में, उसी तरीके से आपके साथ करेंगे, कोई किसी के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो भेदभाव नहीं करेंगे, तो हमारे लिए आपके लिए क्या होगा, एक चीजें दूसरी चीजों के लिए ओपन होंगी। तो इस तरीके से ये एक आर्थिक व्यवहार होगा, जो अपने प्रिय राष्ट्र से करेगा तो वो आर्थिक व्यवहार दूसरे प्रिय राष्ट्र से भी करेगा। यानी कि जो एक रिलेशन हम फेवरेट नेशन से रखते हैं, दूसरा रिलेशन भी उसी फेवरेट नेशन से रखेंगे। अब यहां पे मुझे आपको, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अब आपको यहां पूछा सर पाकिस्तान को ये स्टेटस क्यों दिया गया था, क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है कि हमने ये स्टेटस इनको पाकिस्तान को क्यों दिया था? जल्दी से आप मुझे, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दूंगा, और 30 सेकंड में मुझे इसका आंसर दीजिए। तो क्यों, आप लोग सोचिए क्यों दिया था? जी हाँ, टेलीग्राम लिंक पे भी हूँ UGC नेट के, और वहाँ पे उस क्लासेस पे जाइएगा अकेडमी UGC नेट पे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किटू मिश्रा जी, 1 बजे से क्लास है मेरी स्पेशल ऐप पे,
एलएलबी करने के लिए फुल आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन याद करना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आर्टिकल तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा, प्लस क्लासेस पे भी पढ़ाऊंगा। स्पेशल क्लास में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, और फिर यूट्यूब पे भी पढ़ा दूंगा, ठीक है? देखो, तो दिया इसलिए था, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस इसलिए दिया था कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की जो इमेज है वो बेहतरीन तरीके से हो, क्योंकि हम ये बिल्कुल जैसे जो भी मामला हो हमारा, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जब खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, हम ये शो करने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं, हम तो चाहते ही दोस्ती का हाथ बढ़ाना, लेकिन सामने वाला क्या है वो बिल्कुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और ये हकीकत भी है, देखिए पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, कुछ ना कुछ वो हमेशा करता रहता है। तो लेकिन हम एक इंटरनेशनल लेवल पे हम ये तो शो कर सकते हैं ना अपनी एक अच्छी इमेज के लिए, देखो हम तो चाहते ही हैं कि पूरी दुनिया में एकदम सबके लिए हमारा देश खुला हो, आइए व्यापार करिए, ट्रेड करिए हमसे, हम तो रिश्तों के लिए हाथ आगे बढ़ाते ही हैं। तो हमारा एक इमेज हो जाएगा, एक बेहतरीन इमेज के लिए हमने ये काम किया था, लेकिन बाद में जब अटैक अटैक ज्यादा होने लगे तो हमने उनसे ये स्टेटस वापस ले लिया था। ओके, बिल्कुल बबीता प्रकाश जी, छवि डागर आपने कुछ रीड कर दिया, मैं पढ़ा नहीं आपका चैट, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में बात हो गई। आइए आगे देख के चलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्चुअली MFN का, मोस्ट फेवर्ड नेशन का, विश्व में वर्ल्ड में भेदभाव रहित व्यापार को प्रोत्साहित करना। अभी मैंने बताया है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, विश्व में भेदभाव रहित व्यापार को प्रोत्साहित करना है, डिस्क्रिमिनेशन लेस ट्रेड को वहां पे प्रमोट करना, इसका मकसद है कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड में डिस्क्रिमिनेशन ना करे। तो ये मोस्ट फेवरेट नेशन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। ओके, ओहो रुबीना जी, मैंने आपको बताया आप अनअकैडमी UGC नेट चैनल पर जाइए प्लीज, ठीक है? वहां पे मेरे लेक्चर खोलिएगा, कोई सा भी वीडियो देखिएगा अभी करेंटली में, रिसेंट में, वहां पे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी है, मेरा अनअकैडमी ID भी है, और सब कुछ, मेरे प्लेलिस्ट भी है, कॉम्बैट के लिए रजिस्ट्रेशन भी है, सब कुछ है। भाई क्यों परेशान हो रहे हैं आप, बता तो दिया ना। और पहली बात तो आप ध्यान लगाइए, अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ये अब पूरे IR के लिए इंडियन फॉरन पॉलिसी में काम आएगी, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजीज मैं यूज कर दे रहा हूँ तो बार बार पढ़ाते वक्त ये मैं इन शब्दावलियों का इस्तेमाल करूंगा, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा और सीरियस होकर पढ़ाई करिए। ओके, चलो गाइस, थैंक यू आप सभी का, आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया क्या होता है, PTA, आपने सुना होगा PTA, FTA, ये सब सुना होगा ना। तो आइए हम PTA के बारे में पहले पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि एक्चुअली PTA क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया क्या होता है। जब दो या दो से अधिक राष्ट्र एक समझौते द्वारा एक दूसरे की कुछ विशिष्ट वस्तुओं को शुल्क में छूट देकर व्यापार में वरीयता देती हैं, तो इसे हम PTA कहते हैं, ठीक है? समझिएगा, जब दो या दो से अधिक नेशंस एक वहां पे एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, एक वहां पे एग्रीमेंट करते हैं, और वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की कुछ स्पेशल या कुछ खास चीजों में वो बोलते हैं कि हम इस पर कुछ टैक्स में डिस्काउंट करेंगे। क्योंकि देखिएगा, जब भी ये कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी गुड्स जाता है तो उसमें टैक्स लगता है ना, तो यहाँ पे जब हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया के तहत हम उनसे एक एग्रीमेंट कर लेंगे, यहाँ पे उनसे एक ट्रीटी कर लेंगे, तो क्या होगा, उनकी कुछ विशेष जो सामान होंगे, गुड्स होंगे, उसमें हम क्या देंगे, शुल्क में छूट देकर व्यापार में प्रेफरेंस वहां पे हम देंगे, ट्रेड में इनको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसको हम PTA कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक राष्ट्र एक समझौते द्वारा एक दूसरे की कुछ विशिष्ट वस्तुओं को शुल्क में छूट देकर यहाँ पे व्यापार में उनको प्रेफरेंस देते हैं, तो इसे हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं FTA के बारे में, फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है। चलो, फ्री ट्रेड एरिया के बारे में हम यहां समझते हैं, जब दो या दो से अधिक राष्ट्र More than 2 nations, एक दूसरे की वस्तुओं को बाधा मुक्त, यानी कि यहां पे बैरियर फ्री हो, कोई भी बैरियर यहां पे गैज उनके सामने, उनके ट्रेड में बैरियर ना हो, ठीक है,
और दूसरे के बाजार में पहुंचने की अनुमति प्रदान करें तो इसे हम मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ रहा है, जब दो या दो से अधिक कंट्री एक दूसरे की गुड्स को लेकर के वहां पे एकदम बैरियर फ्री कर देती है, वहां पे कोई बैरियर नहीं होता है और प्लस दूसरे के मार्केट में उनको वो परमिशन दे दी जाती है कि आइए आप अपना सामान लेकर के और हमारा, ठीक है। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है, फ्री ट्रेड एरिया बोलते हैं इनको, फ्री ट्रेड एरिया बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने पीटीए को देख लिया, एफटीए को देख लिया। आई होप आपको ओके जी हाँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया देखा। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो क्या अभी तक जो भी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ रहा है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। फिर अभी धीरे धीरे हम आगे और इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताएंगे ना, अभी तो एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैं यूज कर रहा हूँ जो डेली अगर आप आईआर पढ़ते होंगे तो इन सब वर्ड का आपके सामने से गुजरना होता होगा, ये सब अक्सर वर्ड आपके नजरों के सामने से गुजरते होंगे। तो एक जगह मैं आज आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजीज एक जगह लिखवा दूं। चलो ओके, थैंक यू आप सभी का, और बहुत अच्छा है कि आप सब लोग को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। थैंक यू पूजा जी, निशा जी, चौधरी जी और रुबीना, खैरुल जहां, थैंक यू, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलें गाइस आगे बढ़ते हैं, मॉनेटरी यूनियन के बारे में समझते हैं, मौद्रिक संघ के बारे में यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसे बोलते हैं मॉनेटरी यूनियन। आइए इसको समझते हैं। जब दो या दो से अधिक राष्ट्र एक साझी मुद्रा चलाने का प्रस्ताव रखें तो उसे हम मौद्रिक संधि कहा जाता है, मॉनेटरी यूनियन ट्रीटी बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे ए कंट्री है, बी कंट्री है या सी है या उससे ज्यादा देश है, ये क्या करते हैं, जब दो या दो से अधिक राष्ट्र एक साझी मुद्रा चलाने का प्रस्ताव रखते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हमें इनसे ट्रेड करना है। जैसे आप देखते होंगे ना, आईआर का मतलब ही क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच का संबंध, ठीक है। अब ये तीनों लोग मान लीजिए ट्रेड करना चाहते हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्री है इनकी, तो अलग अलग करेंसी भी होगी, लेकिन चाहते हैं कि जो हम ट्रेड करें उस ट्रेड के लिए जो एक करेंसी होनी चाहिए, वो करेंसी जो एक मुद्रा होनी चाहिए, एक ऐसी मुद्रा हो जो कॉमन हो, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको मॉनेटरी यूनियन बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक राष्ट्र एक साझी मुद्रा चलाने का प्रस्ताव रखते हैं या प्रस्ताव पास करते हैं तो उसे हम मौद्रिक संधि कहते हैं। तो इस तरीके से मॉनेटरी यूनियन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं संप्रभु सरकार किसे बोलते हैं, सोवरेन गवर्नमेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम संप्रभु सरकार के बारे में यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो संप्रभु सरकार, सोवरेन गवर्नमेंट किसे बोलेंगे गाइस, इसको हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। चलो, एक ऐसी सरकार जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान हो, उसका भूगोल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि एक संप्रभु गवर्नमेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम संप्रभु को समझते हैं कि सोवरेन किसे बोलेंगे। सोवरेन का मतलब होता है गैस कि एक ऐसा देश जो अपने इंटरनल मैटर में, इंटरनल अफेयर्स में, आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में, एक्सटर्नल अफेयर्स में डिसीजन लेने में क्या हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, तो ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं कि ये सोवरेन नेशन है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसका प्रियम्बल पढ़ते हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहां पे हम यहाँ पे सोवरेन जैसा वर्ड यूज करते हैं। तो भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है कि नहीं है, कि वो क्या करते हैं हमारा, देखो हम आज चाहे अपना इंटरनल अफेयर्स मामले हों या एक्सटर्नल मामले होते हैं, हम डिसीजन लेने में इंडिपेंडेंट हैं, फ्री हैं, कोई भी विदेशी शक्तियों का हम पे कोई प्रेशर नहीं होगा, तो ऐसे देशों को हम बोलेंगे सोवरेन नेशन, संप्रभु सरकार बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने सोवरेन गवर्नमेंट के बारे में देखा है कि एक ऐसी सरकार जिसे इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो,
उसको वैलिडिटी मिली हो, मान्यता प्रदान हो उसको इंटरनेशनल लेवल पर, लोग मानते हो कि हाँ ये एक राष्ट्र है, एक सरकार है, तो उसका एक निश्चित क्या हो, एरिया हो, भूगोल हो, लैंड हो, उसके बाद ये इस तरीके से हम एक सोवरेन गवर्नमेंट की बात यहाँ पे आईआर के रेफरेंस में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोवरेन गवर्नमेंट के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतीक्षा जी क्या एक और बार, क्या कौन सा क्वेश्चन बताइए, मैं रिपीट कर दूं। मॉनेटरी यूनियन के बारे में पूछा है कि सोवरेन गवर्नमेंट के बारे में। जल्दी से बताइए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप मॉनेटरी यूनियन के बारे में पूछ रही हैं तो मैं बता ही देता हूं। मॉनेटरी यूनियन का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये तीन कंट्री हैं, दो से ज्यादा कंट्री हैं, ठीक है, अब ये आपस में बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, ये चाहते हैं कि सब हर देशों की अपनी अलग अलग करेंसी होती है, अपनी अलग अलग मुद्रा होती है, लेकिन ये सोचते हैं कि एक साझी मुद्रा चलाया जाए, एक कॉमन करेंसी यहाँ पे हम क्या किया जाए, इसका यूज करें। तो ऐसे प्रस्ताव को, ये रिजोल्यूशन को ये पास करते हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये एक मॉनेटरी यूनियन है, तब इसको हम बोलेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको मॉनेटरी यूनियन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सोवरेन गवर्नमेंट के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया कि संप्रभु सरकार किसे बोलते हैं और सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का क्या मतलब होता है, ये भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आइए गाइस जानने की कोशिश करते हैं जियो स्ट्रेटजी क्या होता है। ये इंटरनेशनल रिलेशन में अक्सर ये वर्ड यूज किया जाता है, जियो स्ट्रेटजी और जियो पॉलिटी। तो इन दोनों वर्ड को हमें एक साथ समझना होगा, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। जियो पॉलिटी क्या होती है गाइस और जियो स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी आप लोग समझ रहे होंगे ना कि कहाँ पे स्ट्रेटजी वगैरह, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जगह इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, जहां से रणनीतियां बन सके, तो इस ऐसे प्लेसेस को हम जियो स्ट्रेटजी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, सऊदी अरब और इराक, ये एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट है किसके लिए, या सारे देशों के लिए। हालांकि यूएसए क्या करता है, अपनी नीति बनाता हो यहाँ पे तेल के लिए। समझिए जियो स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, कि एक ऐसा प्लेस हो जहां पे वो क्या हो, उसकी एक अहमियत रखती हो वहां पे। जैसे इन कंट्रीज के पास, सऊदी अरब के पास और इराक के पास क्रूड ऑयल वगैरह, तेल वगैरह है, तो अब यूएसए इन पर तेल के लिए क्या कर रहा हो, अपनी एक नीति वहां पे बनाता हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो ऐसी प्लेसेस को हम जियो स्ट्रेटजी बोले, ठीक है। और उसी के साथ साथ जियोपॉलिटी क्या होता है, जब कोई भी प्लेस अपनी पोजीशन की वजह से वर्ल्ड में फेमस हो जाए, मतलब कि उनका जिस जगह पे वो रहता, उनका एक अपना एक पूरा पूरा एरिया हो, उस पोजीशन काफी ज्यादा खास हो, अपनी पोजीशन की वजह से वर्ल्ड में फेमस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियोपॉलिटी बोलते हैं। जब कोई भी प्लेस अपनी पोजीशन की वजह से वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं, तो बच्चों उनको हम जियो पॉलिटी बोलते हैं, ठीक है। और जियो स्ट्रेटजी में जहां पे कुछ खास चीजों के लिए वहां पे वो कोई देश नीतियां बना रहा हो, तो उसको हम जियो स्ट्रेटजी बोलते हैं। चले, ये तो बेसिक पॉइंट हो गया जियो पॉलिटी का, जियो स्ट्रेटजी का और मॉनिटरी यूनियन का, ठीक है, सोवरेन गवर्नमेंट का। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं डिप्लोमेसी क्या होता है। उस दिन मैंने आप लोगों से पूछा था और मैंने कहा था आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा गैस कि एक्चुअली डिप्लोमेसी क्या होती है। उससे पहले एक और बात, जियो स्ट्रेटजी का मतलब है और जियो पॉलिटी का, देखो दोनों वर्ड एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा फर्क है। जियो पॉलिटी पहले समझते हो, जब भी कोई प्लेस अपनी पोजिशन की वजह से, जैसे ये पूरा मान लीजिए वर्ल्ड का एक मैप हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा प्यारा भारत, ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज हो, तो कोई भी देश अगर दुनिया में अपनी पोजीशन की वजह से फेमस है तो उसको हम जियोपॉलिटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अब सऊदी अरब इराक का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ पे ये तेल बहुत ज्यादा उनके पास होता है, ऑयल को लेकर के, अब ये स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, सामरिक दृष्टि से इनका इम्पोर्टेंस है, इनके पास तेल है, रिसोर्सेज है, तो ऑब्वियस सी बात है अब आप समझ सकते हो कि तेल का कितना इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया की इस इकोनॉमी पे। जैसे मैं आज आपको जब पढ़ा रहा था, जैसे इंडिया के रेफरेंस में जब मैंने आपको बताया था, हमने बोला था कि हम क्या करते हैं,
जब लुक वेस्ट पॉलिसी में आप लोगों को पढ़ा रहा था, याद रखिए उस लेक्चर को, लुक वेस्ट पॉलिसी मैंने बताया था कि इन गल्फ कंट्रीज से हम 75% लगभग, उससे ज्यादा यू कर लीजिए अप्रॉक्स हम इनसे क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुए। तो इनकी जो जगह है, इनकी जो चीजें हैं, वो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब यूएसए जैसा देश हो या और भी कोई देश हो, यहाँ पे तेल को लेकर के अपनी खास रणनीति बनाता हो, एक खास यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाता हो, तो ऐसी जगह को हम बोलेंगे ये जियो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, दैट इम्पोर्टेंट है। चलो आई होप अब आपके यहाँ पे समझ गया होगा, मतलब एक स्ट्रेटेजी, आप सिंपल समझ लो कि स्ट्रेटेजी वहां पे बनाया जा रहा है, ठीक है, किसी खास मकसद को अपने अचीव करने के लिए। तो वहां पे कोई देश स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो उसको हम जियो स्ट्रेटेजी बोलेंगे। एनरोल करना पड़ेगा, एक बजे से मेरी क्लास है, एनरोल कर लीजिए, ठीक है, आप सब लोग एनरोल कर लीजिए और वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए। ये क्लास को फिनिश होने के बाद थोड़ा देर ब्रेक दूंगा और फिर आप लोगों को स्पेशल क्लास में पढ़ाऊंगा। चले आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं डिप्लोमेसी के बारे में। देखो तो अब आ गया यहाँ पे कूटनीति के बारे में। कूटनीति अक्सर सुनते होते हैं ना आप लोग, कूटनीति डिप्लोमेसी। तो भाई आइए आज जानते हैं एक्चुअली डिप्लोमेसी का क्या मतलब होता है और इसके टाइप क्या होते हैं, कौन कौन सी डिप्लोमेसी होती है, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पारिक सर भी क्लास लेते हैं, वो अलग अलग चैनल पे लेते हैं, तो आप सर्च करिएगा तो पारिक नीरज पारिक सर की क्लास होती है। ओके छुटकी जी, छुटकी नगर। जब एक देश इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, जब एक देश विश्व के प्लेटफॉर्म पर अपने हितों को साधता हो, अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे फुलफिल करता हो, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, ठीक है। इस तरीके से जब एक देश विश्व के प्लेटफॉर्म पर अपने हितों को साधता हो, तो वो डिप्लोमेसी होती है। अब डिप्लोमेसी क्या होती है, कूटनीति, दो टाइप की डिप्लोमेसी होती है। एक होती है गाइस पॉजिटिव डिप्लोमेसी, जिनको हम सकारात्मक कूटनीति बोलते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव डिप्लोमेसी, जिनको हम नकारात्मक डिप्लोमेसी बोलते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन टाइम भी दे दीजिए सभी के लिए। क्वेश्चन टाइम क्या मतलब, अर्शिया मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाहते हो। आइए हम अब जब डिप्लोमेसी को देख लिया, उसके टाइप्स को देख लिए, तो आइए एक एक करके हम पॉजिटिव डिप्लोमेसी और नेगेटिव डिप्लोमेसी को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव डिप्लोमेसी पहले हम देख लेते हैं। अगर हम बिना युद्ध के दूसरे देश को कमजोर कर रहे हैं, तो उसको नेगेटिव डिप्लोमेसी कहा जाता है। जब भी कोई कंट्री दूसरे देश को बिना युद्ध के क्या कर देती है, कमजोर करने की कोशिश करती है, तो उसको नेगेटिव डिप्लोमेसी कहते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव डिप्लोमेसी क्या होती है, ये भी हम देख लेते हैं। कुछ टाइप की डिप्लोमेसी होती है, जैसे ट्रैक वन ट्रैक टू, यहां पे मैं लिख रहा हूं ना, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं ट्रैक वन, ठीक है, ट्रैक टू, ट्रैक थ्री, ट्रैक फोर, ठीक है, ट्रैक फाइव। आइए इन डिप्लोमेसी को भी हम समझते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमेसी की डेफिनेशन समझ लिया है कि जब एक देश इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहता हो, अपने हितों को साधता है, तो उसको हम डिप्लोमेसी बोलते हैं, कूटनीति बोलते हैं। लेकिन अगर इसी टाइप, आप कितनी टाइप की कूटनीति कर सकते हैं, हम डिप्लोमेसी कर सकते हैं, जैसे ट्रैक वन अगर कभी यूज करें कि ट्रैक वन की डिप्लोमेसी, ट्रैक टू की डिप्लोमेसी, ट्रैक थ्री की डिप्लोमेसी, ट्रैक फोर, ट्रैक फाइव, तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब गवर्नमेंट के लेवल पे बातचीत शुरू होती है, सरकार के स्तर पर जब बातचीत होती है गवर्नमेंट के लेवल पर, तो उसको हम बोलते हैं ये ट्रैक वन की डिप्लोमेसी है। देखिए जब भी किसी देश से डिस्प्यूट वगैरह होता है, तो हम पहले कोशिश यही करते हैं एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से उसके स्तर पर बातचीत करना शुरुआत करते हैं, तो इसको हम ट्रैक वन की डिप्लोमेसी बोलते हैं। ओके गाइस, आगे देखते हैं ट्रैक टू के बारे में,
कि जब सिटीजन के स्तर पर बातचीतें होती हैं, नागरिक से नागरिक स्तर की बातचीत होंगी सिटीजन के लेवल पर, तो इसको हम ट्रैक टू की भी डिप्लोमेसी बोलते हैं। दोनों देश एक दूसरे, देखिए यहाँ पे किसी भी कंट्री को आप वर्ल्ड में लेकर के चलिएगा कि वो हर कंट्री, अच्छा स्नेहा जी नेगेटिव डिप्लोमेसी का आतंकवाद का यूज भी करते हैं लोग, मालूम है वो भी नेगेटिव डिप्लोमेसी है, या किसी यहाँ पे खुफिया, आप नेगेटिव डिप्लोमेसी का अगर एग्जांपल देखना चाहते हो तो देखो हर कंट्री दूसरे कंट्री के लिए खुफिया विभाग इंटेलिजेंस का यूज करती है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे हमारे यहाँ है ना, तो हर देश के पास अपने अपने इंटेलिजेंस होते होंगे, तो ये एक्चुअली नेगेटिव डिप्लोमेसी होती है कि हम उनसे वॉर तो नहीं करें। देखो मैं सिर्फ इंडिया के रेफरेंस में नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंट्रीज के बारे में बता रहा हूँ। नेगेटिव डिप्लोमेसी इसे कहते हैं जब एक देश बिना युद्ध किए दूसरे देश को कमजोर कर दे रहा हो, तो उसको हम नेगेटिव डिप्लोमेसी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है अर्शिया जी, बिल्कुल टाइम दे देंगे स्टूडेंट के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, बिल्कुल। तो इस तरीके से नेगेटिव डिप्लोमेसी हो गया, समझ में आ गया। और बहुत से देश आतंकवाद का सहारा लेते हैं, जैसे देखो पाकिस्तान नेगेटिव डिप्लोमेसी का बहुत यूज करती है, वो किसी देश को कमजोर करना चाहती है तो टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से कि जाएगा वहां वो देश में, इस तरीके से वहां पे चीजें होंगी और वो देश क्या हो जाएगा, कमजोर होगा। तो बिना युद्ध किए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसको नेगेटिव डिप्लोमेसी नहीं बोल सकते उसी हिसाब से, इंटेलिजेंस खुफिया विभाग के हिसाब से, तो ये नेगेटिव डिप्लोमेसी होती है। स्नेहा तिवारी जी, इसको हम पॉजिटिव इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव डिप्लोमेसी देखिए क्या होगा कि यहाँ पे सारी चीजें सामने सामने हो रही है और जो खुफिया वाली चीजें होती है वो पता नहीं होता है। ठीक है, आप देखे होंगे वर्ल्ड के लेवल पे, अरे आपने बहुत सी मूवीज देखी होगी जो इंटेलिजेंस पे बनी है, जैसे अभी वही मूवी नहीं आई थी, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है ऐसा कुछ, जहाँ पे सलमान और कैटरीना की मूवी थी। देखो वो ISI के एजेंट थी कैटरीना और सलमान खान यहाँ पे रॉ से था। तो आपने कुछ सीखा ना कि उनका, हालांकि वो तो एंटरटेनमेंट का पर्पज था, उसमें लव रोमांस और दुनिया भर की चीजें दिखा देते हैं, लेकिन अगर एक हम यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटेलिजेंस का काम ही ऐसा होता है कि खुफिया विभाग के तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप एक चीज देखते होंगे, हनी ट्रैप सुनते होंगे गाइस, आपने सुना होगा हनी ट्रैप, और देखो हनी ट्रैप बहुत खतरनाक होता है। आए दिन, अभी मैं रिसेंटली, मैं पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले न्यूज पढ़ रहा था, तो कोई ना कोई ऑफिसर या हमारे आर्मी से कोई, या कोई ऑफिसर या कोई ना कोई सरकार पब्लिक सर्वेंट आप यूं कह सकते हो उसको, कि हनी ट्रैप के जाल में वो फंस जाता है। कैसे क्या होता है, देखो जैसे दुश्मन जो देश है कोई भी हो, मैं देखो अलर्ट रहने की जरूरत है, देखो डिजिटल वक्त है तो अलर्ट रहने की भी बहुत जरूरत है, खासकर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिफेंस सेक्टर में है, इंटेलिजेंस सेक्टर में, इनको यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत बहुत ज्यादा है। क्यों, क्या करते हैं, देखो वहां पे वो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए कि फेसबुक के थ्रू दोस्ती वगैरह हुई, और आप देखते होंगे ना फेसबुक की दोस्ती का अजीब केसेस होता है, किसी किसी केसेस में सुनने को आता है, और फिर वहां से प्यार इश्क मोहब्बत वाली बातें या और भी कुछ चीजें, तो इसी हिसाब से ये नेगेटिव डिप्लोमेसी का यूज करते हैं। एक देश क्या करते हैं कि चलो ये अब क्या करेंगे, आपने इसको क्या कर लिया भैया, तो हंसने की यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होगी, मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग हंसे, लेकिन ये रियली मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। तो हनी ट्रैप का मतलब ही यही है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से कोई इंडिया के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए यहाँ के हम किसी ऑफिसर्स को क्या करें, उसको हम अपने बस में कर लें और उससे खुफिया जो जानकारी हो वो ले सकें। तो ऐसे आए दिन कई लोग हमारे यहाँ या वर्ल्ड लेवल पे देखिए न्यूज में आते रहते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो आप लोग भी अलर्ट रहा करें कि बिल्कुल ये जो सोशल मीडिया है, तो कोशिश रहा करें इसे दूरी बना के ही चला करें, बिना जाने समझे किसी को मत बात करिए उनसे, मैं यही कहूंगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है, तो जल्दी से मुझे बता दो। अर्शिया, किसी ने पूछा था स्नेहा जी, अब साउथ मूवी है कौन सी है, इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी पर, अब मैंने वो मूवी तो देखा नहीं है प्रतीक्षा। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पे सारे डिप्लोमेसीज के बारे में, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ सकूं। चीजें समझ में आ रही ना, मजा आ रही टॉपिक पढ़ने में, कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है। देखो अगर आज आप यहाँ पे आए हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ नया सीख के जाओ आप लोग, तो मुझे पूरी उम्मीद है कुछ आप लोग नया ही सीखेंगे यहाँ पे और अच्छा भी लग रहा होगा। ओके थैंक यू प्रतीक्षा जी और भी बाकी स्टूडेंट्स का जो लगातार कमेंट कर रहे हैं और लगातार बने हैं, आइए आगे देख के चलते हैं।
ट्रैक वन ट्रैक टू को हम समझते हैं। तो जब बातचीत का स्तर गवर्नमेंट के लेवल पे होता है गाइस, तो उनको हम ट्रैक वन बोलते हैं। सिटीजन के तौर पे भी देखो डिप्लोमेसी यूज होती है, बहुत सी कंट्री अपने सिटीजन का यूज करके भी उस देशों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखते हैं, और खासकर रिलेशन इस वजह से अच्छे रखते हैं कि उनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है वो फुलफिल हो जाए। क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही है डिप्लोमेसी की कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक देश इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने हितों को साधता है। तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे हर कोई, अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो कोई एक ऐसा इंसान हो जो सिर्फ अपने मकसद से मतलब रखता हो। जब आप ऐसे देखते हो ना, आपके लाइफ में ऐसे दोस्त होंगे भी कि आपको तभी कॉल करते होंगे, आपसे तभी मिलते होंगे जब उनको कोई काम पड़ता होगा, अदरवाइज कौन है आप नहीं पहचानते। तो ये देखिएगा, एक बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक पर्सन होते हैं ये लोग। जब भी इनका किसी से काम होता है वो अपना काम निकलवा लेते हैं। लेकिन ये रिश्तों के लिए तो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हाँ इंटरनेशनल लेवल के लिए और एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छी चीज है। पर्सनल लाइफ के लिए चीजें अच्छी नहीं है, तो रिश्ते ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है। और लेकिन अगर प्रोफेशनल के बारे में बात करूं, इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, तो एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके, ठीक है स्नेहा जी, बिल्कुल बता दूंगा। आइए, वोकल फॉर स्लोकर, वेरी गुड बबीता प्रकाश जी। आइए हम ट्रैक थ्री के बारे में यहां समझते हैं। ट्रैक थ्री की क्या डिप्लोमेसी होती है पॉजिटिव में, यह इकोनॉमी के लेवल पे होती है। यानी कि यहाँ पे इकोनॉमी को बढ़ावा देने के हिसाब से काम करते हैं, तो इस तरीके से ये ट्रैक थ्री की डिप्लोमेसी होती है। यहाँ पे इकोनॉमी को लेकर के काम करते हैं, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के बारे में बात करते हैं। आइए ट्रैक फोर डिप्लोमेसी को समझते हैं। ट्रैक फोर डिप्लोमेसी जैसे क्रिकेट मैच वगैरह होता है, जो स्पोर्ट्स कह सकते हैं आप, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं एक देश का दूसरे देशों में आते जाते होते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ देखिएगा, हम बहुत सी कंट्रीज है तो हम ट्रैक उसके साथ ट्रैक फोर की डिप्लोमेसी अपनाते हैं, क्रिकेट मैच करवा लेते हैं उसके साथ, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट यहाँ पे बुला लेते हैं, या हमारे से वहाँ पे चले जाते हैं कुछ लोग अदर कंट्रीज में, अदर कंट्रीज वाले हमारे यहाँ जाते हैं। तो एक्चुअली वो डिप्लोमेसी का ही हिस्सा होता है, और ये सारी डिप्लोमेसी पॉजिटिव डिप्लोमेसी के तहत आती है। याद रखिएगा इन सब चीजों को आप लोग, ठीक है। और ट्रैक फाइव क्या होता है, मीडिया के लेवल पर वहाँ पे वो काम करते हैं, मीडिया के स्तर पर। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट मीडिया का यूज करके इंटरनेशनल लेवल पर अपना काम निकालना चाहती है, तो ऐसी डिप्लोमेसी को हम बोलते हैं मीडिया के स्तर पर ट्रैक फाइव की डिप्लोमेसी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं गाइस, जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में इनका डेली लाइफ में जब गवर्नमेंट काम करती होगी तो यूज होता होगा। और ये आज आपको मैं एक लेक्चर में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी की सारी कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे यूज की जाती हैं बच्चों, वो आज आपको मैं कवर करवा दूं। आई होप आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ रहे होंगे। अभी बात करते हैं सॉफ्ट पावर की और हार्ड पावर की। बिल्कुल, थोड़ा सा वेट करिए स्नेहा जी, सब समझाऊंगा। आई होप अब आपको यहाँ पे डिप्लोमेसी समझ में आ गई होगी, पॉजिटिव डिप्लोमेसी समझ में आ गई होगी, नेगेटिव डिप्लोमेसी समझ में आ गई होगी, और ट्रैक वन ट्रैक टू से लेकर के ट्रैक फाइव तक की डिप्लोमेसी भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं तो कौन सी लेवल की डिप्लोमेसी ज्यादा अच्छी लगती है आप लोगों को, ट्रैक वन या ट्रैक फाइव? मतलब ट्रैक वन से ट्रैक फाइव में कौन सी लेवल की डिप्लोमेसी बहुत बेहतरीन होगी? अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया जाए और आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपको कुछ चीजें करनी हो, तो आप क्या डिसीजन लोगे वहां पे? अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ट्रैक थ्री इकोनॉमी को लेकर के स्नेहा जी ने बोला है, चलो ट्रैक टू सिटीजन को लेकर के। अब सबका अलग आ रहा है, ट्रैक वन गवर्नमेंट लेवल पर। अब भाई ट्रैक फोर और ट्रैक फाइव बचा, वो भी कोई कमेंट कर दे तो सारा हो जाए काम। देखिए ट्रैक वन भी आ गया, रविता जी ने बोला है, रविता विश्वकर्मा, अर्षिका जी कह रही है ट्रैक फोर। चलो भाई वन टू थ्री फोर, अब फाइव बच रहा है, तो कोई फाइव भी बोल करके इसको कंप्लीट कर दे। चौधरी गोलू जी ने बोला ट्रैक थ्री, चलो अच्छी बात है, सारी ट्रैक को हमें समझना चाहिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं पावरफुल स्टेट के बारे में।
ठीक है, पावरफुल स्टेट के बारे में हम यहाँ पे गए समझते हैं। आज मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि आज जब मैं पेपर देने गया था तो मेरा दोस्त मुझसे मिला, क्योंकि आज से मेरा पेपर था LLB का और मुझे 2 दिन पहले पता चला था कि एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जब गया कॉलेज में फॉर्म अपने यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट करने, तो सर ने बोला आप तो बहुत जल्दी आ गए। और आज इसी चीज़ को मेरे दोस्त ने बोला कि कहा, मतलब बहुत मजाकिया अंदाज उसने बोला आज क्लास में एंटर करते ही, कहा तेरे जैसे लौंडे ना बहुत आगे जाते हैं लाइफ में। मतलब वो हमें तंज कस रहा था यहाँ पे, जैसे हम लोग अपनी आपसी बोलचाल की भाषा में ना यूज़ करते हैं लड़के को लौंडे, तो इस तरीके से वही मैं देख रहा था कि मुझसे इतनी बड़ी आज चीज़ें हो गई, अदरवाइज मिस हो जाता मेरा एग्ज़ाम। तो देखिए लाइफ में ये यहाँ पे एक चीज़ हमें ये सीखने को मिला कि थोड़ा सा अपडेट आपको रहना ज़रूरी है। कितने भी आपके साथ हैं, कितने भी आप बिजी क्यों ना हो, लेकिन आपको अपडेट होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता था। जैसे आज मेरा हो सकता था कि 2 दिन और हमें ना पता चलता तो फिर हमारा तो काम हो जाता। फिलहाल कोई बात नहीं, चीज़ें हो गई हैं अच्छे से, मज़ा भी आता है और एग्ज़ाम भी लोग पूछ रहे थे ना, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया मेरा। तो जिसने पूछा था एग्ज़ाम कि आपका एग्ज़ाम कैसे जा रहा है, तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया आज, और आगे देख के चलते हैं कैसा होता है। फिलहाल तो मज़ा आती है। पावरफुल स्टेट के बारे में समझते हैं। खैरुल जहां जी और मेगा डोगरे भाई, आप लोग हंसी हो रहे हैं मेरी बेवकूफ़ी पे कि मुझे मालूम ही नहीं था कि एग्ज़ाम कब होने वाला है मेरा। ये आप लोग मत करिएगा, ठीक है ना। हाँ भाई बता दे रहे हैं, बिल्कुल प्रतीक्षा जी का आंसर एकदम करेक्ट है कि हमें सभी डिप्लोमेसी को फॉलो करना चाहिए उसके सिचुएशन के हिसाब से। तो हंस लीजिए आप लोग, बिल्कुल हंस लीजिए, अच्छी बात है। होता है लाइफ में कभी कदार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि थोड़ा बहुत कुछ पल याद रह जाते हैं। अब देखो ये सब सारे अब जो चीज़ें हैं, जो मोमेंट्स होंगे ना, मुझे हमेशा के लिए याद रहेंगे। यार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मज़ा आती है। गजब बोला उसने आज। खैर चलो आगे चलते हैं। फेल स्टेट्स को लेकर के, बनाना स्टेट क्या होता है, सॉफ्ट पावर स्टेट क्या होता है और हार्ड पावर क्या होता है, सारे स्टेट्स को हम यहाँ पे समझेंगे। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर, यहाँ पे देखिएगा सॉफ्ट पावर सॉफ्टवेयर, दो बार लिख गया, यहाँ पे हार्ड पावर होगा। हार्ड पावर, ठीक है, आइए। बिल्कुल ठीक गया, थैंक गॉड, है सब ठीक गया, बिल्कुल ठीक ही जाएगा। उम्मीद अच्छी, देखिए पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी जाएगी अगर आपके पास हौसला है ना। आपको परेशान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से। कितने भी लाइफ में चैलेंजेस आए, मुस्कुरा के आगे बढ़ते रहिए। अपने आप आधे काम तो आसान हो जाते हैं ऐसे ही, जब आप मन से सोच लेते हो कि इस काम को हम कर सकते हैं, जब अंदर से एक आवाज़ आती है। चलें तो अब पावरफुल स्टेट के बारे में समझते हैं, क्या मतलब होता है। कोई देश युद्ध का जब निर्णय लेता है, यहाँ पे चला गया स्लाइड थोड़ा सा, जब भी पावरफुल स्टेट हम बोलेंगे कि ऐसा कंट्री हो जो निर्णय ले सकता हो युद्ध का। देखो हर कोई तो झगड़ा नहीं करेगा ना, हर कोई तो झगड़ा नहीं कर सकता ना, झगड़ा करने का इन द सेंस, यहाँ पे अगर मैं कंट्री लेवल की बात करूं, अब बताओ क्या नेपाल, मैं हालांकि किसी का मजाक उड़ाने का मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करता हूँ। अब नेपाल कहे कि आओ हम युद्ध करेंगे, तो आप समझो क्या चीज है। नेपाल ऐसा कहेगा कि हम युद्ध करना चाहेंगे, जल्दी बताओ। चाइना बोले तो समझ में आए, इंडिया भी बोले तो भी समझ में आए, लेकिन इंडिया बहुत समझदार है। तो और हमारी पहली प्रायोरिटी याद होनी चाहिए, युद्ध पहला बेस्ट ऑप्शन नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि क्या हमें पाकिस्तान के साथ वॉर कर लेना चाहिए, देखो वॉर में जीत जाएंगे वो अलग इशू है, लेकिन हमारा भी नुकसान बहुत ज्यादा होगा, तो इसी वजह से वॉर बेटर ऑप्शन नहीं है आज के दौर में। जो आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हो ना कि जो स्टूडेंट नेशनलिज्म टाइप के लोग होते होंगे कि बस घुस के मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला उनका जवाब होता है। हमें कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेना आना चाहिए, एक्चुअली डिप्लोमेसी ये होती है जो आज को मैं आपको डिप्लोमेसी सिखा रहा हूं। लिंक से ओपन नहीं हो रहा है तो आप मेरी प्रोफाइल पे आ जाइए, अभी आपको मैं जब आएंगे तो आप वहां पे देख लीजिएगा। चलो तो कोई भी देश युद्ध का जो निर्णय लेता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो पावरफुल स्टेट है। आइए हम समझते हैं गाइस, फेल स्टेट किसे बोलते हैं, कि एक फेल स्टेट किसे बोलते हैं, फेल नेशन, राज्य के रूप में जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, यानी कि उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस हो ही ना,
उसकी कोई अहमियत ही ना हो तो ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं फेल्ड नेशन है भाई, उसकी कोई वैल्यू ना हो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अरे आप यूपी की बात कर रही है, नेपाल की पॉपुलेशन, अरे भाई इंडिया के बहुत छोटे छोटे जो स्टेट होंगे ना उसके बराबर नहीं है, ठीक है, छोटे से स्टेट के बराबर भी नहीं। यूपी तो बहुत बड़ा है, और यूपी का देखिए हमारा जो यूपी है ना, हम सबका यूपी मतलब, क्योंकि देश हमारा है और हर स्टेट और हर चीज हमारी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही है। देखिए अगर इस यूपी का अगर देश बना दिया जाए ना, तो आई थिंक ये 7th नंबर या 8th नंबर का देश बन जाएगा दुनिया में, तो इतना ज्यादा अपना यूपी क्षमता रखता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है। इसका क्या मतलब हुआ, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है। चलो भाई बता देंगे, अभी परेशान ना होगी, इसको पढ़ो, बताते हैं अभी स्पेशल क्लास के बारे में बाद में, लास्ट में बात करते हैं। तो फिलहाल छोड़िए सब चीजें। तो फेल नेशन, जिसका राज्य के रूप में स्टेट के रूप में इसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो, अस्तित्व ना हो, तो ऐसे नेशन को हम बोलते हैं ये फेल्ड नेशन। आगे देखे चलते हैं बनाना स्टेट को लेकर के, बनाना स्टेट कैसे बोलते हैं, ठीक है। अपनी शासन व्यवस्था पर उसका नियंत्रण ना हो। अब देखो ऐसी बहुत से कंट्रीज हैं जिनका अपने गवर्नेंस सिस्टम पर कोई भी उनका कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं बनाना स्टेट, ओके। तो ये हो गया बनाना स्टेट। फेल नेशन बता ही दिया, पावरफुल स्टेट कौन होगा उसको भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइए अब समझते हैं सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर स्टेट किसे बोलते हैं। इंडिया देखो बहुत बैलेंस करके चलता है यहाँ पे, समझिएगा। तो अब क्या होता है गाइस, सॉफ्ट पावर किसे बोलेंगे, जब कोई देश युद्ध तो जीत नहीं सकता, ध्यान रखना, फनी नेम, मैं नहीं समझा, अच्छा बनाना, हाँ ठीक। जब कोई देश युद्ध तो जीत नहीं सकता है परंतु बर्बादी कर सकता है, सॉफ्ट पावर का नेशन है कि मान लीजिए जरूरी नहीं कि वो सभी से युद्ध वॉर जीत ही जाए, लेकिन हाँ नुकसान काफी हद तक पहुंचा सकता है, तो ऐसी कंट्री को भी हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं। लेकिन हार्ड पावर का वहीं पे दूसरा रेफरेंस देखेंगे तो ऐसी कंट्री जो युद्ध भी जीत सकती है, वॉर को भी जीत लेती है और बर्बादी भी कर सकती है, तो उसको हम हार्ड पावर बोलते हैं। तो इंडिया क्या है कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर के बीच का यहाँ पे कॉन्सेप्ट, हालांकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है, कभी हम सॉफ्ट पावर भी हो जाते हैं, कभी हम हार्ड पावर भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे काम चलता है। देखो भैया अपना काम जो है ना इंडिया का बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है कि हमें अपना काम सबके साथ अच्छे से रिलेशन बना के चलना है, ये हमारा नैम का पॉलिसी भी है, आगे हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में, ठीक है। तो वक्त जरूरत होगी तुरंत हम दोस्ती कर लेंगे और फिर अपना काम निकालेंगे, अच्छी चीज है इंटरनेशनल लेवल पर। आइए कुछ चीजें और हम यहाँ पे देख के चलते हैं, डिसीजन को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये आपको मैंने बताया हार्ड पावर सॉफ्ट पावर ये सब जो चीजें हैं ना, वो डिसीजन वगैरह कैसे लेती हैं, सुपर पावर ये सब क्या है, डिसीजन वगैरह कैसे लेती है। केला राज्य, अब ये हिंदी में तो मुझे भी नहीं मालूम बनाना स्टेट को केला राज्य बोलते हैं कि नहीं, आई थिंक बनाना ही बोलते होंगे, मतलब आप लोग सर्च कर लीजिएगा इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना स्टेट किसे बोलेंगे, केला राज्य है। चले फिलहाल तो मेरे सामने ही केला रखा हुआ है। आगे देखते हैं डिसीजन को लेकर यहाँ पे हम, जी हाँ नो फर्स्ट यू, डिसीजन को समझते हैं। देखो अब कैसे डिसीजन लिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, जो देश हैं वो फैसला यहाँ पे वॉर को लेकर के समझिएगा कि वॉर को लेकर के या कुछ पॉलिसीज को लेकर के कैसे डिसीजन लेते हैं। अगर उनकी कीमत और बेनिफिट बराबर हो तब क्या किया जाएगा, देखो तीन पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, पहला पॉइंट समझ लीजिए, दूसरा पॉइंट समझ लीजिए और तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है। हाँ तो अब तीनों पॉइंट को हम यहाँ पे समझेंगे, कॉस्ट इक्वल टू बेनिफिट, जब कीमत और फायदा बराबर होगा, यानी हमारा नुकसान, कीमत मतलब हमें किसी चीज की कीमत अदा करनी पड़ रही है बेनिफिट के लिए, तो हमारा नुकसान और बेनिफिट बराबर होगा तब हम क्या करेंगे, एक्चुअली एक सेकंड रुकिएगा, और जब कॉस्ट ज्यादा यानी कीमत ज्यादा होगी और बेनिफिट कम होगा, ऑब्वियस सी बात है यानी कीमत ज्यादा अदा करनी पड़ेगी और फायदा हमें कम होगा, तब हम क्या करेंगे, लेकिन कॉस्ट कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो, कीमत हम कम अदा कर रहे हैं और फायदा हमें ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर कैसी डिप्लोमेसी अपनाएंगे ये समझिएगा। देखो जब हमारी कीमत और बेनिफिट बराबर होंगे या कीमत ज्यादा लग रही है बेनिफिट कम हो रहा है, तो
ऐसी कंडीशन में फौरन हम क्या करेंगे, सॉफ्ट पावर वाली डिप्लोमेसी अपनाएंगे। आप यहाँ पे गांधी जी का एक एग्जांपल ले सकते हो। कैसे, जब मैं आप लोगों को गांधी जी के बारे में पढ़ा रहा था, या जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आप पढ़ोगे, देखो जब अंग्रेज बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सप्रेशन करते थे, बहुत ही बर्बरता पूर्वक दमन करते थे, जब हम कोई भी पॉलिसी या जब कोई भी चीजें हम करते थे उनके खिलाफ, ठीक है, उनका विरोध करते थे, तो इसी वजह से गांधी जी ने नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो जैसे ही एक समय आया कि जब इंडियन खुद मजबूत हुए, तब गांधी जी ने कॉस्ट और बेनिफिट वाला, देखो कॉस्ट कम था लेकिन बेनिफिट ज्यादा था, तो वहां पे बोला कि अब ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है, अब लाठी डंडा चलेगा, ठीक है, अब अंग्रेज प्यार से नहीं माने जाएंगे। उससे पहले क्या करते थे, जब भी कुछ होता था गांधी जी आंदोलन को बैक कर लेते थे, यानी कि वो सोचते थे कि हमारा बेनिफिट कम हो रहा है इस आंदोलन से, लेकिन हमें कीमत ज्यादा अदा करनी पड़ रही है। तो अब यहाँ पे ये कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इस तरीके से डिसीजन लेती है। और आप भी भैया अपनी लाइफ में थोड़ा सा सीख लो। देखो चाणक्य के बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, तो चाणक को लेकर के भी मैंने बात किया था कि आपको डिसीजन कब लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि जब आपका कीमत ज्यादा अदा हो रही है और आपको फायदा कम हो रहा है, तो भैया बिल्कुल वहां वॉर मत करिएगा। याद करिए मैंने वहां पे ही स्टेटमेंट बोला था कि ऐसी वाणी बोलिए, झगड़ा तो हो जाए लेकिन उससे झगड़ा ना कीजिए जो तुमसे तगड़ा होए, ऐसा कुछ बोला था, मुझे याद आ रहा है। तो वही हाल है कि उससे झगड़ा मत कीजिएगा जो तुमसे तगड़ा होए। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमें जो डिप्लोमेसी, एक सॉफ्ट पावर वाली डिप्लोमेसी, एक सॉफ्ट तरीके से काम करना होगा। लेकिन अगर हमारी कीमत कम अदा हो रही है और बेनिफिट ज्यादा है, तो वहां पे वॉर किया जा सकता है, और ये हार्ड पावर एक्चुअली काम करते हैं। तो ये इंटरनेशनल पॉलिसी का समझ लीजिए, जब वो कोई भी, मैं सारे देशों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ बेसिक उनके रूल हैं जो यहाँ पे देखते हैं। और कहीं ना कहीं चाणक्य की नीति भी आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, जब मैं आपको पढ़ा रहा था चाणक्य के बारे में, तो वॉर में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और एक बार आप प्लीज उस लेक्चर पे मेरे जाइएगा, और इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने पढ़ाया है चाणक्य, हाँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल, तो आप देख लीजिएगा, सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बच्चों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, क्या आज का लेक्चर कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, मजा आ रही है, अभी और है, बेफिक्र रहो, अभी और कुछ अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन आज आपको कुछ नया मिला कि नहीं, अगर नया मिला और आपको यहाँ आने से फायदा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, वर्ड, फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड और थर्ड वर्ड को यहाँ पे हम समझते हैं, दुनिया को लेकर के, विश्व को लेकर के अगली टॉपिक हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली दुनिया क्या है, जो फर्स्ट वर्ड कंट्रीज किसे बोलेंगे, सेकेंड वर्ड कंट्रीज किसे बोलेंगे और थर्ड वर्ड कंट्रीज किसे बोलेंगे, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती है बच्चों, पूंजीवादी देश होता है, वेरी गुड, पूंजीवादी देश होता है। और इनका जो विश्वास होता है वो फ्री ट्रेड में होता है, यानी कि जैसे व्यापार मुक्त जो समझौता है उसमें ये विश्वास करते हैं कैपिटलिस्ट, ये प्रॉफिट को ज्यादा चाहते हैं। एग्जाम्पल इसका यूएसए होगा, कि इस तरीके से ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। ठीक है, किट्टू जी का केला राज, मुझे भी याद रहेगा भाई, केला राज है, आज मैं सर्च करता हूँ हिंदी में से क्या बोलते हैं। आगे लेके चलते हैं, सेकेंड वर्ड को देखेंगे, सेकेंड वर्ड जो सोशलिस्ट नेशन होते हैं, समाजवाद, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया है। देखो तो इसीलिए कहता है ना कि आपको, जब मैंने शुरू में सारी चीजें बेस क्लियर कर दिया है, तो आज अब हम यूज करेंगे सिर्फ वर्ड का, टर्म्स का। ओके चलिए, तो कैपिटलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, सेकेंड वर्ड बोलेंगे समाजवाद, जैसे रशिया वगैरह, जैसे आपको मालूम हो उस समय सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था, तो इस हिसाब से सेकेंड वर्ड बोला गया। और जो तीसरी दुनिया है, थर्ड कंट्री है, तीसरी दुनिया, वो नैम कोई पॉलिसी को अपनाती है, खासकर इंडिया कह सकते हैं, ना तो भैया हम यूएसए के साथ रहते हैं और ना ही हम रशिया के साथ, खासकर उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तीसरी दुनिया की, जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी कोल्ड वॉर से पहले, तो एक तरफ यूएसए था एक तरफ रशिया थी। अब हमें क्या करना था, हम डायलेमा में फंसे हुए थे। ठीक है, अब दो सही के बीच में एक उचित का चुनाव ही क्या होता है, डायलेमा होता है यहाँ पे।
तो हमने क्या किया, ऐसी पॉलिसी यहाँ पे बनाई, तो ना तो हम पूरी तरीके से यूएसए के साथ रहेंगे, ना तो हम पूरी तरीके से यूएसएसआर के साथ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी पॉलिसी रही है। एग्जाम्पल इसका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आप इंडिया का ले सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए लास्ट में कुछ चीजें और देख के चलते हैं कि 1991 के बाद की दुनिया कैसी है, आफ्टर 1991 के बाद में क्या दुनिया है। तो वो सबसे एक मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे, और इस ट्रायंगल के माध्यम से आपको मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको समझिए कि 1991 के बाद क्या स्ट्रक्चर रहा है दुनिया का। देखिए टॉप में सुपर पावर जिसे हम बोलते हैं, वो जैसे यूएसए अपने आप को क्या कहती है, और इसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है यूनिपोलर। यानी यूएसए क्या चाहता हो, दुनिया की शक्ति का सेंटर क्या हो, जो दुनिया की जो शक्ति है, दुनिया की जो शक्ति का जो केंद्र होगा, शक्ति का जो केंद्र होना चाहिए वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की तरफ होना चाहिए। ये सब कुछ चाहता नहीं, कोई पावरफुल ना रहे, सिर्फ हम ही हम रहें, ठीक है। तो अपने आप को सुप्रीम समझने की कोशिश करते हैं, और सुपर पावर भी हम इसको उनको जानते हैं। तो यूनिपोलर चाहते हैं यूएसए 1991 के बाद, ठीक है। और फिर क्या हुआ बीच में, हम जब देखेंगे सेकेंड नंबर पे आएंगे, तो कुछ ग्रेट पावर होंगी, कुछ महान शक्तियां होंगी। ये सुपर पावर है, ये कुछ महान शक्तियां हैं, ये चाहती हैं, जैसे रशिया हो गया, चाइना और जापान, इनका नाम इसलिए ले रहे हैं ये महान शक्तियां हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये चाहते हैं मल्टीपोलर हो, दुनिया क्या हो, मल्टीपोलर हो, यानी कि जो शक्ति का जो केंद्र हो सिर्फ एक लोगों के हाथ में ना हो, बल्कि बटा हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, सबके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस यूएसए के पास सारी शक्ति चली जाए, तो इस तरीके से इनको हम ग्रेट पावर बोलेंगे। और तीसरी जो शक्ति हम बोलेंगे, इमर्जिंग पावर, यानी कि उभरती हुई शक्ति, उसका एग्जांपल सबसे बेहतरीन भारत है। हम क्या हैं, एक इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं, इमर्जिंग पावर्स भी हैं, धीरे धीरे देखिएगा हम उभर रहे हैं काफी तेजी के साथ, दुनिया में हमारा एक अलग वैल्यू है। तो ये हम इंडिया को यहाँ पे इमर्जिंग पावर। और एकदम लास्ट में हम निचले स्तर पे देखेंगे, इनके अलावा जो कंट्रीज बच रही हैं उनको हम यहाँ पे अदर पावर में देखेंगे, सभी लोग आ जाएंगे उसमें, मैक्सिमम सभी लोग आ जाएंगे। तो इस तरीके से 1991 का के बाद, जब कोल्ड वॉर बात की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूएसए चाहता था यूनिपोलर हो, यूएसएसआर का विघटन हो चुका था उस समय, उसके बाद दुनिया में सिर्फ एक शक्ति का केंद्र रह गया था, वो यूएसए था। वो चाहता ही था कि यूनिपो, आज भी यूएसए चाहता है कि बस दुनिया में शक्ति का केंद्र क्या हो, सिर्फ हम हो, यानी कि यूएसए। और ग्रेट पावर जैसे रशिया, चाइना, जापान और इंडिया भी यही चाहती है कि कोई यूनिपोलर देश ना हो, कि जो शक्ति हो, जो पावर हो, वो किसी एक देश के हाथ में ना हो, बल्कि थोड़ा थोड़ा सबके पास होना चाहिए, या एक बैलेंस तरीके से रहे। तो ये ग्रेट पावर और इमर्जिंग पावर का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक मेरा कुछ लेक्चर था जो मैंने आज आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको समझ में आया होगा तो आप अभी तक लाइक कर चुके होंगे और इसको शेयर भी कर दिया होगा इस सेशन को। चलें तो अब आपसे यहाँ पे विदा लेने का वक्त आ रहा है, और ठीक थोड़ी देर बाद हम 1 बजे स्पेशल क्लास में मिलते हैं। डिस्क्रिप्शंस को लेकर के मैं फिर कह रहा हूँ कि आप मेरे UGC नेट के चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अनअकैडमी की ID है उस पे, और मेरी प्लेलिस्ट है, कॉम्बैट का रजिस्ट्रेशन भी है, और टेलीग्राम का लिंक भी है, तो प्लीज आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मेरे आपको इस चैनल पे केवल मेरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, बाकी के चैनल पे आप जब जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ उन लोगों को कि देखिए आप इस पे जा सकते हो, लेट्स क्रैक NTA UGC नेट वाले चैनल पर, यहाँ जाइएगा। मैं मॉर्निंग में 10 AM पर यहाँ आता हूँ, ठीक है, मॉर्निंग में 10 AM पर आता हूँ, और आपको यहाँ पे मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप इस चैनल पे भी जा करके मेरा लिंक मिल सकता है आपको, और साथ ही साथ अनअकैडमी का UGC नेट चैनल, अनअकैडमी UGC नेट इंग्लिश चैनल है, मतलब इंग्लिश का, वहाँ पे आप देखिएगा मैं 4 PM से आपको आता हूँ, और वहाँ पे भी आपको मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज आप वहां पे भी जाके लिंक आपको मिल जाएगा।
ठीक है, बाकी इस चैनल को आप तो जान ही रहे हैं। साथ ही साथ गाइस आप स्पेशल क्लास में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री की स्पेशल क्लास है, इसके लिए कोई पेमेंट कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। मेरा पूरा नाम आप ध्यान रखिएगा, मोहम्मद सैफ अहमद नाम है, और प्लीज इस नाम को ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मेरी ठीक है, तो आप अगर सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा आपको, ठीक है। तो प्लीज आईडी का लिंक भी होगा, ये सारी चीजें हैं। 1 बजे से मैं आ जा रहा हूं, और कल की टाइमिंग अभी शाम में ही बता दूंगा आप लोगों को जब 1 बजे आऊंगा तो, या तो फिर आप लोग वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। तो या तो आप यहां तक तो मेरा लेक्चर था, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो गाइस तो जल्दी से इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, और इतनी मेहनत से पढ़ाई करिए, मैं यही कहूंगा। अनअकैडमी का जो स्लोगन है, लेट्स क्रैक इट गाइस। और हाँ, जाते जाते यही बोलूंगा कि आप लोगों का एग्जाम करीब है, तो वहां पे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का जल्द से जल्द दे सकते हैं, प्लस का और आइकॉनिक का। यूज माई रेफरल कोड, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं SAF10, तो जैसे ही आप वहां पे SAF10 यूज करते हैं गाइस, आपको वहां पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे चलते हैं, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। सारी क्लासेस के टाइम बता दिया, और हाँ, किसी ने पूछा था कि सर UPGIC के बारे में बता दीजिएगा लास्ट में। किसने पूछा था? स्नेहा तिवारी जी ने पूछा था। स्नेहा जी देखिए, जो शाम की अनअकैडमी UGC नेट की जो क्लास होती है 4 PM पे UGC नेट वाले चैनल पे, वहां पे मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, आप सबके लिए, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, या यूपी गवर्नमेंट की GIC की वैकेंसी हो, पॉलिटिकल साइंस मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपका नेट भी प्रिपेयर होता है, आपका राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर को भी टारगेट करके चल रहा हूँ, और UPGIC के लिए भी टारगेट करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो बेफिक्र रहिएगा, आप 4 बजे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी मिला करके मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे आप राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दीजिए, यूपी का GIC के लिए दीजिए, या नेट GRF, तो आप यहाँ स्पेशली चैनल तो उसके लिए ही है, ठीक है। तो आपको वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। और जाने से पहले यही बोलूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग आइकॉनिक और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा गाइस। ओके, थैंक यू। Use my referral code SAF10 and get 10% extra. Thank you guys. Let's crack it.